हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया हो? चलिए, तो जैसा कि हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट यानी कि सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हम आप लोगों के साथ मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, क्लियर। तो आज हम ये देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो यदि हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और चीज़ की स्टडी करें तो आज हम आप लोगों के साथ स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन होता क्या है? तो कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले आप ये मान लो कि इसमें एक तो सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जैसे ही आप दोनों को प्लस करते हो तो आपका क्या मिलता है? सॉल्यूशन। क्या मिलता है? सॉल्यूशन। यानी कि यदि हम एक एग्जांपल ले लें आपके साथ, तो मैंने इसमें ले लिया वाटर। क्या ले लिया यहाँ पे? वाटर। और यहाँ पे हमने ले लिया क्या? शुगर। क्लियर। तो जो वाटर हो गया वो हो गया हमारा सॉल्वेंट, और जो शुगर हो गया वो हो गया हमारा सॉल्यूट। और जैसे ही आप इन दोनों को यहाँ पे मिक्सअप किए तो जो आपका बना वो हमारा बना सॉल्यूशन। अब जैसा कि आप कितना सॉल्यूट मिक्स कर रहे हो, कितना सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हो, तो जो इनकी क्वांटिटी होती है, मतलब कि जो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, जो रिलेटिव क्वांटिटी होती है, ये हमारी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन। क्लियर। जो रिलेटिव क्वांटिटी होती है वो कहलाती है कंसंट्रेशन। क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन। तो ये हो गया कंसंट्रेशन में हमको क्या देखना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। बस आप ये मान लीजिए कि जैसे अपन को शरबत बनाना है, तो जो हमने गिलास में पानी लिया, पानी हमारा सॉल्वेंट है, पानी में जो हम शक्कर मिला रहे हैं, शक्कर हमारा क्या है? शुगर है। जो हमारा कंप्लीट शरबत बना वो हमारा होता है सॉल्यूशन। अब कभी शरबत ज़्यादा मीठा हो जाता है, कभी फीका हो जाता है, तो जो शुगर की क्वांटिटी होती है शक्कर में वो होती है हमारी कंसंट्रेशन। क्लियर। क्या होती है? कंसंट्रेशन। तो यदि हम यहाँ पे यानी कि n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, v अपॉन 22.4। तो हम इसको दो स्टेप में स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे परसेंटेज, एक स्टडी करेंगे परसेंटेज, एक स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन। क्लियर। तो जो परसेंटेज होता है इसमें हम पहले देखेंगे मास परसेंटेज, दूसरा देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा देखेंगे वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज, और चौथा देखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में हम देखेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। क्लियर। तो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, और यहाँ हम देखेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर। तो अब हम सबको अलग अलग देखेंगे कि कौन सा मास परसेंटेज है, कब वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय मास है, कब मास बाय वॉल्यूम है। क्लियर। क्या देखेंगे? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज, आप एक चीज याद रखिए, हम यहाँ पे आपको सॉल्यूट को ए और सॉल्वेंट को बी बोलेंगे। क्लियर। तो यदि हम बात करें मास परसेंटेज, तो आप इसको एम बाई एम भी बोल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि मास परसेंटेज का फार्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हम इसको एक चीज और बोल सकते हैं, मास परसेंटेज को टोटल हम इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ
मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए और बी, या इसी को फर्स्ट और सेकेंड, क्लियर, अपॉन टोटल मास। क्लियर, तो हमारा इसका फार्मूला बन जाएगा मास परसेंटेज का, कि मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि ये हो गया, यदि हम परसेंटेज की बात करेंगे तो इनटू 100, परसेंटेज की बात करेंगे तो इनटू 100। क्लियर, तो ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा इनटू 100, मतलब कि यदि हम डब्ल्यू ए बोले, मतलब कि सॉरी यहाँ पे होगा सॉल्यूट का होगा आपका, यहाँ पे सॉल्यूट यानी कि बी, सॉल्वेंट यानी ए। तो यदि हम यहाँ पे बोले कि डब्ल्यू ए मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मास परसेंटेज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। क्लियर, मतलब कि सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास, तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। यहीं से रिलेटेड है, यदि हम क्वेश्चन देखें, मतलब सीधी सी बात है, जो मास परसेंटेज वो चीज होता है कि यदि आप किसी एक का मास कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे मान लो आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है ए का, तो ए का मास अपॉन टोटल मास, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 40 ग्राम NaOH मिक्स्ड विथ 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaOH। क्लियर, तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो आपको देखिए मास परसेंटेज ऑफ NaOH, और NaOH का दिया है 40 ग्राम, तो यहाँ का सोल्यूशन हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ NaOH इक्वल टू जिसका मास दिया है अपॉन टोटल मास, तो दिया है 40 अपॉन टोटल हो जाएगा 40 प्लस 120 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन 12 4 16, 160, 0 से 0 तो हो गया 400/16, यानी कि 4 चौक 16, 100/4 यानी कि 25%, ये आपका यहाँ से आ गया मास परसेंटेज 25%। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो आप क्या करोगे, वाटर का मास 120 अपॉन टोटल 40 प्लस 120 इंटू 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 120 इंटू 100 अपॉन 160। क्लियर, 0 से 0, तो ये आपका बचेगा 4 चौक 16, 4 3 12, 300/4, मतलब ये आपका आ जाएगा 4 7 28, 75% मास परसेंट ऑफ वाटर। क्लियर, तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर यहाँ पे आ गया आपका 75%, तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। इसी तरह यदि आपको बोले वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कि ये आपका हो जाएगा वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100, या आप इसको लिख सकते हो वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। क्लियर, ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। यदि आपसे पूछ दिया वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, तो आप बी ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी
इन 200। यदि आपसे पूछ दिया कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, डब्ल्यू ए अपॉन बी ए प्लस बी वी इन टू 100। क्लियर। तो ये हो गए आपके परसेंटेज वाले सिस्टम, क्या हो गए परसेंटेज वाले। क्लियर। अब यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया 20 ml यूरिया मिक्स्ड विथ 40 ml वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। क्लियर। अब यहां पे आपको क्या किया कि 20 ml यूरिया को 40 ml पानी में मिला दिया, तो पूछता है कि यूरिया का वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, सॉरी मास है ना, तो यहाँ पे यूरिया का वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा। तो कैसे करोगे इसका सोल्यूशन, तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू पहले का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो 20 20 प्लस 40 इंटू 100 तो हो जाएगा 200 इंटू 100 अपॉन 60। 0 से 0 0 ऐसा कर दो, 20 3 60। तीन 33.33%, ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर। इसी तरह आपका दे देगा वॉल्यूम बाय मास, मतलब कि एक वॉल्यूम दे देगा, जैसे आपको बोल दिया 20 ml ऑफ यूरिया है ना, इसको पहले नोट कर लीजिए। हम एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसका। तो जैसे मान लो आपको इस बार उसने बोल दिया ट्वेंटी एम एल यूरिया मिक्स्ड विथ 40 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इफ डेंसिटी ऑफ यूरिया इज 1.2 ग्राम पर ml। क्लियर। तो यहां से क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले करेंगे हमारा कि वॉल्यूम बाई मास परसेंटेज हमारा होगा वी ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। क्लियर। तो हमारा ए तो हो गया यूरिया, वैसे सॉल्वेंट है तो यहाँ बी ले लो है ना, तो ये हो गया हमारा 20। अब बी ए वाटर का